क्वेश्चन नंबर 11 इज इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड. सो आई एम राइटिंग इट डाउन एज इथाइल क्लोराइड. इट इज एन इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड. नाउ दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेप अप रिएक्शन वे वन कार्बन हैज टू बी इंक्रीज. ठीक है, आई जस्ट गिव यू वन हिंट. आई गिव यू अ हिंट हियर. यहां से जो पहले वाला होगा ना, यहां से जो पहले वाला होगा उसमें CN आ जाना चाहिए. स्क्रीन नॉट प्रॉपर्ली विजिबल. आई हैव नॉट प्रेजेंटेड माय स्क्रीन टिल नाउ. एक कॉर्नर दिख रहा है, मतलब एक कॉर्नर दिख रहा है. किसी और को पिन करके बैठे, किसी और को पिन करके ये स्क्रीन पिन कर लो, आ जाएगा. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू द हिंट. इट शुड बी समथिंग लाइक दिस. नाउ टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. व्हाट इज इट दैट हैज हैपेंड. सबसे पहले Cl को CN में बनाया, KCN डाल सकते. क्या चीज डाला हमने? KCN डाल दिया. बिल्कुल सही. अब KCN, अब ये CN से हमने COOH बनाया, तो यानी कि व्हाट डिड वी डू? एग्जैक्टली, शाबाश. ओके, सो दिस पर्सन ऑफ माइंड हु इज गिविंग मी द आंसर्स इज नाउ थरो विद द रिएक्शंस. इसका मतलब that's very very good. Okay, now let's look at question number 12. Question number 12 is butane. kya hai uske baad butane se kya hai beta? n-butyl iodide. ab ye bhi you will be able to do it very nicely. Butane is CH3 CH2 CH double bond CH2. से बनाना है हमें CH3 CH2 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 I. what are we going to do? HI in peroxide. Peroxide डालने से कौन सा रूल फॉलो होता है? Which rule is followed when we add peroxide? Anti-Markovnikov. Question number 13. 2-chloropropane to 1-propanol. 2-chloropropane to 1-propanol. Okay. So first things first, we need to know how to write the formula. 1-propanol. Okay. So chloropropane. CH3, CH, यहाँ पे CL आ गया, CH3, giving us CH3, CH2, CH2, OH. Who is going to tell what is going to happen? सबसे पहले क्या बनाएंगे? Sir, I guess if CH3 is there, then if we add water in presence of peroxide, कुछ नहीं होगा. एग्जैक्टली. सबसे पहले क्या डाल दो? एल्कोहलिक KOH डालो. एल्कोहलिक KOH डालोगे तो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड. अब एल्कोहलिक KOH हो गया, अब क्या करेंगे? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल जनरली फॉर इज फॉलोड बाय HBr, HCl एंड ऑल. इट विल नॉट बी फॉलोड बाय H2O. तो अब क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे HBr डाल दो. HBr इन व्हाट? परोक्साइड डालो. अगर HBr इन परोक्साइड डालोगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br. ऐ शाबाश, ये आ गया. अब ये Br लास्ट में आ गया. एग्जैक्टली. तो अक्वेयस KOH डाल दो. अक्वेयस KOH डाल दिया, बन गया. ठीक है ना? सर, एग्जाम में हमें बिल्कुल ऐसे लिखना है? अब मर्जी है, जैसे लिखना है लिखो, लेकिन इतने क्लियरली लिखना कि टीचर को पता चल जाए कि आपको सोल्यूशन क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, सो दैट यू गेट फुल 1 mark फॉर इट. ये 1 mark का आता है. ओके सर. ओके, अब बेटा अब हम कौन से क्वेश्चन पे हैं? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर?
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडो फॉर्म, भाई मजेदार क्वेश्चन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब ये वाला ना बेटा, ये वाला यू गेट दिस इन योर एल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज CH3CHOH एंड CH3 and it should give you IDO form, okay? कौन बताएगा, देखते किसको याद है। हमने किया था हैलोफॉर्म रिएक्शन, वी हैव डन हैलोफॉर्म रिएक्शन, कि जब यहां सेकेंड वाले कार्बन पे ओ एच हो तो क्या हो जाता है, कौन से, what do we use, what are the reagents that we use for IDO form? It's given on the left hand corner of aldehydes and ketones wala chapter, left hand corner. No one. What are the reagents used? So is it NaOI in acetone? NaOI, sorry, which forms acetone? Exactly, it is in NaOI. जब NaOI डाल देंगे तो इट डायरेक्टली फॉर्म्स व्हाट, आइडो फॉर्म। एंड दिस इज अ टेस्ट, दिस इज यूज्ड इन डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स आल्सो, इट कैन बी यूज्ड फॉर आवर मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, जिसमें भी CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O है उसमें ये चीज यूज हो सकता है, या CH3 के साथ OHO। अगर ऐसे वाले कंपाउंड CH3 ऐसे वाले कंपाउंड में भी अगर हम NaOI डालेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द आइडो फॉर्म। सो हाईली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ओके, सो इट इज, दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन इन दिस चैप्टर, दिस रिएक्शन इज गिवन इन द चैप्टर विच वन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ठीक है। अब बेटा हम विल बी द सेम फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट एज वेल, एग्जैक्टली दिस इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट बेटा। अब क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन टू एन नाइट्रोफिनॉल, एन एम पैरा नाइट्रोफिनॉल, ओके पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो सबसे पहले हमारा जाना चाहिए क्या, हमारा जाना चाहिए सीएल डाले, नाइट्रो डाले, क्या करें, व्हाट आर वी सपोज टू डू। क्लोरोबेंजीन गिवन है तो पहले NaOH डाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि क्लोरीन इज विच डायरेक्टिंग, क्लोरीन किस में डायरेक्ट करता है, द क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में हमने नाइट्रेशन कर दिया, व्हाट आर द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रेशन, HNO3 एंड H2SO4, एग्जैक्टली, ठीक है, HNO3 इन H2SO4। तो हमारे पास क्लोरो आ गया पोजीशन नंबर 1 पे एंड NO2 आ गया पोजीशन नंबर 4 पे। अब बेटा हमें बनाना है क्लोरीन को हटा के, वी हैव टू रिमूव क्लोरीन एंड वी हैव टू फॉर्म अल्कोहल। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, देयर इज ओनली वन रिएक्शन जहां पे क्लोरीन को हटा के अल्कोहल डालते हैं, एक ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया है, यस बेटा। सर नाइट्रो इज मेटा डायरेक्टिंग तो पहले OH नहीं ऐड करेंगे हम, बेटा सीएल को अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, अब एक नाइट्रो ग्रुप आ गया ना, एक अगर नाइट्रो ग्रुप आ गया तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारा NaOH लेंगे वो NaOH का परसेंटेज भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, OH आ गया, क्योंकि अगर सीएल स्टार्टिंग में सीएल को OH बनाना है तो यानी कि द टेम्परेचर इज गोइंग टू गो हायर, NaOH इज गोइंग टू बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, रिमेंबर,
कि Cl को रिमूव करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है. तो व्हेन यू कीप ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, व्हाट कीप्स ऑन हैपनिंग? द टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है. और तीनों ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे NO2 है, तो विथ जस्ट वार्म वाटर इट वॉज गिविंग अस द रिएक्शन. With just what it was giving us the reaction? Warm water. ठीक है. So this was which question? Question number 15. Question number... That is also feasible, right? That is also feasible, yes. Economically maybe not feasible, but otherwise feasible. ठीक है. Okay. अब हमें क्या बनाना? 2 bromo propane से 1 bromo propane. Yes, sir. Okay, guys, you need to keep your books close to you. Huh? इस बार का पेपर is going to be totally different. ऐसा पेपर जिंदगी में कभी भी नहीं आया है. At least मेरे lifetime पे मैंने अभी जितने भी मैं पेपर्स देख रहा हूँ, the type of papers that I'm seeing, I have never come across the papers that is going to come this year. So if the paper is going to be different, okay, we have to prepare it totally in a different manner. Ab what are we going to do? Who will say? Sir? Yes, beta. So easy way mein different or hard way mein different? Ab beta, ab kya hai ki matlab jo jinko learning acche se nahi aata, lekin wo ghus ke padhte hain, unke liye it has become very very easy. Kyunki 1 mark questions is going to increase crazily. ठीक है. लेकिन जो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, जो वो dependent on the lengthy questions. Lengthy questions में क्या होता था? ऊपर ऊपर से पढ़ाया, जो कुछ आता है सब कुछ लिख के आ जाओ, marks मिल जाएगा. तो 1 marker बढ़ता है तो ऐसे वाले questions में ना आपको marks कम हो जाते हैं. So people who are good at lengthy questions and a weaker at 1 marker, they are at a disadvantage. But people who are good at 1 marker, jo ek ek line acche se padhte hain, unke liye it is very very easy. Theek hai? Matlab sir, chapter line to line padhna hai. Exactly, line to line. So ratna kam hai, kyunki ratna hamare lengthy questions mein hote hain. 1 marker mein kam ratna hai. लेकिन पढ़ना, वी हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन. ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो डन. नाउ वी हैव व्हाट? क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन. क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, नेक्स्ट वन. सो ये तो ऐसे ही बता दोगे आप लोग. एग्जैक्टली, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन. क्यों वुड्स रिएक्शन कहा? Exactly, chloroethane to butane हो गया, तो CH3, CH2, CH2, CH3 हो गया, तो we need 2 moles of this. इसके साथ और क्या चाहिए? 2Na. Okay, so this is यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 2NaCl, and this reaction, my dear friends, is known as the Wood's reaction. So this is done. Now benzene say we need to get a biphenyl or a diphenyl. So benzene say hame chahiye a biphenyl or a diphenyl. Okay, so sabse pehle benzene of this plus 2Na. Benzene hai, pehle benzene ko aap kya banaoge? पहले बेंजीन को बनाओगे? क्लोरोबेंजीन. एग्जैक्टली, क्लोरोबेंजीन. क्लोरीन डालने के लिए व्हाट इज द रिएजेंट दैट यू आर गोइंग टू यूज? बेंजीन में सीएल डालना है. ठीक है. अब ये 2 moles विथ 2 moles ऑफ Na इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? अ बाइफिनाइल. व्हिच रिएक्शन इज दिस? व्हिच नेम रिएक्शन? Fittig. Exactly. ठीक है, ये Fittig reaction है. Okay. Woods Fittig में क्या डालते हैं? An alkyl group on the benzene ring.
In wood sphatic, it is alkyl group in the benzene ring. Now, उसके बाद से 19th question. We have a third butyl bromide. Say we have to get what? Third. Someone please tell me third butyl bromide. Say bromide. One bromide. Isobutyl bromide. क्यों हमारे जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं ऐसे नाम देके? Okay, now let's look at third butyl bromide. ठीक है, सबसे पहले तो this dear friends is our third butyl bromide. से हमारे पास आना चाहिए isobutyl bromide. मतलब इट शुड कम इन द सेकेंड कार्बन. ओके, सेकेंडरी कार्बन पे आना चाहिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है, तो ये हमारे पास CH3 है, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2Br इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, अब बेटा अब इसको क्या करोगे? अल्कोहलिक KOH प्लस हीट. सबसे पहले अल्कोहलिक KOH डाल दिया. Alcoholic KOH does what? What is the function of butene? बना देता हूँ. This is a yes dehydro halogenation. Okay, मैंने क्या miss कर दिया यहाँ पे? Yes, ठीक है. So dehydro halogenation. अब इससे हमारे पास क्या बना? CH3 double bond CH2. Now we want Br, so what are we going to do? HBr in peroxide. Okay, again, why did we add the peroxide? So that it follows the anti-Markovnikov's rule. So matlab, most of my kids, it seems, have utilized the time they had got to study. That is why we are doing it so fast. अब aniline से बनाना है हमें क्या? Isocyanide. और ये वाला part हमारा fourth chapter में है. In properties of aniline हमें बनाना है ये चीज. So what are we going to do? Isocyanide कैसे बनेगा? Plus chloroform plus KOH will directly give us NC. Chloroform plus KOH will directly give us NC. ठीक है, इसका भी है शायद. शाबाश, this is a carbyl amine and this is also used as a test. It is used as a test for primary amines के test में use होता है and it is either known as the carbyl amine test or it is known as the isocyanide test because of its which smell? Pungent. ठीक है, तो आज हमने दो test भी कर लिए. The two tests are, so what is n-butyl bromide? CH3, CH2, 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 Br. With Na, matlab we are looking at Wood's reaction. So it would give us CH3, CH2, 6 bar and CH3. ठीक है? अब ये जो D बना, it is not the same as this one. ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो Br है, Br का position ये नहीं है. This simply means that the position of Br is not here. Okay, so where could the position of Br be? Let's put it on carbon number 2. So when we put the position of Br on carbon number 2, let's go ahead and do and check if we are getting it. This is a Br and a CH3. When we reacted first with alcoholic KOH, it is going to give us CH3, CH2, CH, double bond,
CH2. Now, according to Saidzeff rule, which one is correct? ये वाला correct होगा या दूसरा वाला? इसमें से हमें क्या बनता है? When we again add HBr, हमें क्या मिलता है? C. Okay. तो इसका मतलब they have taken this one only. अब अगर इसमें आप HBr डालोगे, peroxide में बोला है क्या? Okay. अगर HBr in peroxide डालोगे तो क्या बन जाएगा? CH3, CH2, 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 Br. अब just take a look. Peroxide नहीं बोला. नहीं बोला है? सिर्फ HBr. सिर्फ HBr बोला है. सिर्फ HBr बोला है तो फिर यहीं पे आएगा, नंबर टू पे ही आएगा. तो नंबर टू पे तो हो नहीं सकता. यानी कि अभी उसका एक और तरीका करते हैं. ये परोक्साइड नहीं है, ठीक है? तो एक तो ये हो गया. अब बेटा, अब अगर इसमें मैंने वुड्स रिएक्शन किया, इसमें अगर हमने सोडियम डाला, वुड्स रिएक्शन किया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो हमारा मिरर बनेगा यहां से बनेगा, बी आर यहां से जाना है. तो CH3 यहां पे आ गया. अब इसका मिरर बना दो, CH3, ओके, CH2, CH3, ठीक है? सो यू गेट C8H18, विच इज नॉट द सेम एज द N1, ठीक है? ये तो एक हो गया. अब दूसरा, अगर इन्होंने नहीं बोला है तो एक और तरीका हो सकता है, एक और चीज हो सकता है. हाँ जी बेटा. सर, हमने पहले तो लास्ट कार्बन पे लगाया तो वो पॉसिबल नहीं हुआ, फिर हमने सेकंड लास्ट कार्बन पे लगाया तो वो पॉसिबल था. पहले लास्ट कार्बन पे कहाँ लगाया बेटा? ये वाला कार्बन पे लगा रहे थे तो हमारा सेम आ रहा था ना. ये लास्ट कार्बन पे इसलिए लगाया था क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ये नहीं बनना चाहिए. एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जो हमारा ब्यूटेन है, दिस शुड नॉट बी फॉर्म्ड. आपका जो डी है और ये वाला कंपाउंड है आर नॉट द सेम, ठीक है? तो इसका मतलब हमारा ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन का पोजीशन यहां नहीं हो सकता. और फिर कहा है ए और सी. ये अगर मैं इसे ए लूं, ठीक है, ये मेरा बी बना और ये मेरा सी बना. आर ए एंड सी इज ए एंड सी द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है? क्यों? ए में कार्बन नंबर टू पे है और सी में कार्बन नंबर वन पे ब्रोमीन है. यहां देखना हर्ष, ए में कार्बन नंबर टू पे ब्रोमीन है बेटा और सी में कार्बन नंबर वन पे ब्रोमीन है. सेम कैसे हुआ? अच्छा, ठीक है सर. ठीक है, अब बेटा आपके पास ये आ गया तो परोक्साइड नहीं बोला है तो क्या हो सकता है? हम उसे कोशिश कर रहे हैं ढूंढने के लिए. अगर ये CH3 है और ये CH3 है और हमारा H यहाँ है, सॉरी, ये CH2Br यहाँ पे है, ठीक है? अगर ये ऐसे हुआ, अब अगर आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से CH3, ठीक है? अब अगर आप इसमें HBr डालेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3. अब यहां पे Br आएगा, देखना. अब मुझे ये बताओ, yes, क्या yes, ये वाला और ये वाला क्या आइसोमर्स हैं? ठीक है, अब उसके बाद से हमें क्या डालना है? सोडियम एने वुड्स रिएक्शन करना है. वुड्स रिएक्शन में हमारा ये ब्रोमीन जाएगा,
तो हमारे पास ये, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसी का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मिरर। तो ये हो गया, ये देखो बन गया। तो आपका अगर परोक्साइड नहीं दिया है तो आप ये वाला कर सकते हैं। आ गया समझ में? सो दिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ गिवन है, बस हमें डिसाइड करना है कि कौन कहाँ जाएगा। एक सर, हाँ जी बेटा, सर एक डाउट था। हाँ जी,